नमस्कार, स्टेट टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। स्टेट टॉक में आज बात होगी भारत और चीन के रिश्तों की। आज बात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की, दोनों के व्यापारी पक्ष की। भारत और चीन के बीच 100 अरब डॉलर का व्यापार पहुंच गया है। इसमें जो व्यापारिक घाटा है भारत का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। लेकिन इसी बीच एक बात और एक दृश्य एशिया देशों के लिए या पूरी दुनिया के लिए अलग अलग नीतियाँ, रणनीतियाँ और कूटनीतियाँ मायने निकालने के लिए आई हैं। ये तस्वीरें हैं दो बड़ी शक्तियों के, दो बड़े नेताओं के मिलने की। एशिया की दो महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं की तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मामल्लापुरम, महाबलीपुरम जिसे कहा जाता है, उसमें शुक्रवार को महामुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहले से तय अनौपचारिक मुलाकात में गर्मजोशी और आपसी विश्वास दोनों नजर आए। डिनर के दौरान करीब 2.5 घंटे की 1-to-1 बातचीत में दोनों नेताओं ने बढ़ते आतंकवाद और कट्टरता को बड़ी चुनौती मानते हुए इसके खिलाफ साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इस दौरान दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने के बारे में, व्यापार को और बढ़ावा देने के बारे में भी चर्चा हुई। अब सबकी निगाह शनिवार के ऊपर है। शनिवार की सुबह शिखर वार्ता होनी है। इसमें जो मुख्य फोकस है वो सीमा विवाद समेत तमाम विवाद हैं जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें कम करने की लगातार कोशिश हो रही है। मोदी और जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम को कूटनीतिक तौर पर चुना गया है। इस शहर का अपना एक इतिहास है। इस शहर का चीन के साथ काफ़ी पुराना नाता रहा है। 18वीं सदी में यहाँ के उस वक्त के पल्लव राजा और चीन के शासक के सुरक्षा समझौतों की वजह से ये शहर सुर्खियों में है। लिहाजा इस शहर को चुनने के पीछे की वजह चीन के साथ पुराने रिश्तों को लेकर दिखाया गया है। मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी के साथ करीब 5 घंटे का समय बिताया है। ज़्यादातर समय दोनों नेताओं ने अकेले चर्चा में बिताया है। गोखले ने बताया कि दोनों के बीच आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर मंथन हुआ है। इस बातचीत, इस मुलाकात पर भी विचार हुआ है कि कैसे व्यापार को और बढ़ाया जाए। चर्चा के दौरान मोदी ने व्यापार घाटे और असंतुलित व्यापार को सुधारने का मुद्दा भी उठाया, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था कि व्यापार दोनों देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है, लेकिन व्यापारिक घाटा भी भारत का बढ़ता जा रहा है। इससे पहले मोदी ने जिनपिंग की अगवानी की और 1 घंटे तक उन्हें प्राचीन विरासत दिखाई। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद दोनों नेताओं ने साथ में डिनर किया। इस दौरान उनके बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। 2.5 घंटे तो डिनर के दौरान ही एक साथ में वक्त बिताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, जानकारी दी। मोदी और शी जिनपिंग ने डिनर के बाद भारत चीन की साझेदारी को मजबूत करने को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चीन से संबंधों में उतार चढ़ाव के बीच ये दोनों नेताओं की बड़ी ही महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही है। और शी जिनपिंग का जो ये भारत दौरा है, इसे अलग अलग नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण मान के देखा जा रहा है। भारत कश्मीर को लेकर किसी भी बाहरी ताकत से बातचीत करने के पक्ष में नहीं है। चर्चा हुई तो भारत पाक के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बातचीत होगी, ये बात भी भारत ने बार बार साफ की है। दोनों के बीच 1 नवंबर को होने वाले क्षेत्रीय आर्थिक मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी, इसके ऊपर भी सभी की नज़र है और भारतीय व्यापारियों की खास तौर पे नज़र है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस समझौते के बाद भारत को बहुत नुकसान होगा, भारतीय व्यापारियों को, रिटेल सेक्टर को बहुत नुकसान होगा। 5G
तक टेक्नोलॉजी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। भारत हुआवे के लिए 5G टेक्नोलॉजी के परीक्षण को तैयार हो सकता है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान कोई करार नहीं होना है, ये अनौपचारिक बातचीत है। आप लोगों को याद होगा कि 2014 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तब उन्हें अहमदाबाद लेकर जाया गया था। वहाँ पर वो झूला झूलने वाली जो तस्वीरें थी वो भी पूरी दुनिया ने देखी, भारत ने देखी, और उसके बाद जो हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा, डोकलाम विवाद, उससे आप परिचित होंगे। लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए, ये भी ध्यान रहना चाहिए कि मसूद अजहर को लेकर हमेशा ही चीन पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आया है, लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव की वजह से चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। और इस साल चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में कोई अड़चन नहीं डाली, जबकि पहले वो लगातार 3 बार ऐसा होने से रोक चुका था। चूंकि बातचीत अब अनौपचारिक है और एजेंडा ये सबके सामने नहीं लाया जाएगा, स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा जो फोकस रहा वो उनके भव्य स्वागत और तमाम कार्यक्रमों के ऊपर रहा, ये दिखाने के ऊपर रहा कि भारत की मेजबानी किस तरह की है, किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, किस तरह के कार्यक्रम है, किस तरह का खाना है। जो सम्मेलन का है वो एक अपने आप में जो नज़ारा है वो दिखाता है कि भारत अपने इस भव्य स्वागत की चलते चीन के साथ नज़दीकियों को और बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इस दोस्ताना रवैये की वजह से चीन का जो नज़रिया है वो भी बदले, ये हालांकि बहुत मुश्किल है, हमने पहले भी इस तरह की तमाम उम्मीदें लगाई हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये बदलाव का दौर है, बदलाव खासतौर पे चीन को माना जाता है कि ये व्यापारी देश है, चीन को ये माना जाता है कि वो व्यापार के हिसाब से, नफे नुकसान के हिसाब से फैसला लेता है। ऐसे में जब तमाम समझौते होंगे, भारत एक उपभोक्ता देश है खासतौर पे चीन के प्रोडक्ट्स का, तो जब तमाम समझौते होंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौता होगा तो चीन की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से कहीं ज़्यादा फायदा होगा। इस वजह से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि क्या चीन के साथ भारत के संबंध और ज़्यादा ऊंचाइयां छू रहे हैं, और ज़्यादा घनिष्ठ हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं, पाकिस्तान के माथे पर सिकन लाने वाले हैं, पूरी दुनिया के लिए एक अलग ही नीति पेश करने वाले हैं, एशिया का जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ पर ये दो बड़ी शक्तियाँ क्या नए समीकरण स्थापित करने जा रही हैं। सवाल खड़ा होता है कि हिंदी चीनी भाई भाई, आप लोगों को नारा याद होगा दशकों पहले जो दिया गया था, लेकिन इस मुलाकात के बाद फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदी चीनी फिर भाई भाई हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है, यूएसए का भी जिक्र ज़रूर होता है जब चीन और भारत के रिश्तों की बात आती है। आपने सुना होगा चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के बारे में, उसकी वजह से पूरी दुनिया को जिस तरह से आर्थिक मंदी को झेलना पड़ रहा है उसके बारे में भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज भी इन तमाम डायमेंशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तमाम सवाल हैं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं हमारे जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या शी जिनपिंग के भारत दौरे के मायने निकाले जाएं? क्या मायने हैं? किस तरह से महत्वपूर्ण है? क्या भारत चीन व्यापार में अब बढ़ोतरी होने जा रही है? व्यापार के बेहतर माहौल को बनाने के लिए ये दोनों नेता मिले हैं। सवाल ये भी है कि जो भव्य स्वागत है उससे क्या शी जिनपिंग का अलग अलग मुद्दों पर जो रुख रहा है, खासतौर पर भारत के खिलाफ जो रुख रहा है, वो बदलेगा? क्या कश्मीर मुद्दे पर अब चीन भारत का साथ देगा? अक्सर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। पाक का समर्थन क्या करना अब चीन बंद कर देगा? बहुत सारे मुद्दों पर वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नजर आता है। आतंकवाद को लेकर क्या अब चीन का नजरिया
बदल जाएगा। आप कॉल कीजिए और स्टेट टॉक कीजिए कि मोदी और जिनपिंग की जो ये दोस्ती है, दोस्ताना तस्वीरें हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई झटका है। आप स्टेट टॉक कीजिए और हमें बताइए आपको क्या लगता है कि क्या चीन की जो दोस्ती है वो भरोसे लायक है। आप तमाम जो NRI दर्शक हैं अलग अलग देशों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों से अपील ये है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख पा रहे होंगे, फोन लाइन खोल दी गई है, नंबर आप देख पा रहे होंगे, वो डायल कीजिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इन तमाम सवालों पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं भारत चीन रिश्तों पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे पर कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या नए आयाम स्थापित होंगे। जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की, दोस्ताना रवैये की, वो क्या दुनिया को संदेश देंगी, वो अमेरिका को क्या संदेश देंगे और ख़ासतौर पे पाकिस्तान को क्या संदेश देंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात पर, दोनों देशों की नज़दीकियों पर आपकी जो भी राय है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आप देख पा रहे होंगे, वो डायल कीजिए, कार्यक्रम का आप भी हिस्सा बनिए। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को करीब 5 घंटे तक आपसी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबलीपुरम में शानदार इंतजाम के लिए तमिलनाडु सरकार का धन्यवाद भी किया। विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पीएम मोदी के अलावा शी जिनपिंग ने भी शानदार स्वागत और इंतजाम की तारीफ की। उन्होंने शानदार व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की सराहना की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वागत से अपने आप में अभिभूत भी नजर आए। विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध, आतंकवाद और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ पुराने संबंधों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और चीन के बीच खासतौर पर मफू कियान और ममल्लापुरम के बीच व्यापारिक संबंधों पर बात की। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को महाबलीपुरम विश्व धरोहर स्थल के महत्व की जानकारी दी और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य के साथ ही मनुष्य और पशुओं के एक साथ रहने के दार्शनिक लोकाचार पर भी बात की। विदेश सचिव गोखले ने बताया कि लगभग 2.5 घंटे तक चली चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच विजन, सरकार की प्राथमिकताओं के साथ ही आर्थिक विषयों के ऊपर भी चर्चा हुई। शी जिनपिंग ने जनादेश का जिक्र किया और मिलकर काम करने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूसरे अनौपचारिक सम्मेलन के दौरान वेशभूषा के साथ ही खाने में भी पारंपरिक दक्षिणी भारत के व्यंजन, दक्षिणी भारत की डिशेज परोसी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को पारंपरिक तमिल सामान है वो भी भेंट किया। आप सोच रहे होंगे कि क्या पहना, क्या खाया, क्या भेंट किया, इसका ज़्यादा जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अनौपचारिक बातचीत है और जो कॉन्क्रीट है वो अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। दूसरी मुलाकात के बाद हो सकता है कि कुछ समझौतों के बारे में, एक कदम हम कहाँ कहाँ आगे बढ़े हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए, तब चीज़ें और स्पष्ट होंगी, तब चीज़ें और पता चलेंगी कि इस मुलाकात के आखिर असली मायने क्या थे, व्यापारिक तौर पर क्या मायने थे, रणनीतिक तौर पर क्या मायने थे। उससे पहले जो ये तमाम भव्य तस्वीरें हैं उन्हीं का विश्लेषण हो रहा है, उन्हीं के जरिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो छन छन के जानकारियां आ रही हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को व्यापारिक जो पारंपरिक तमिल सामान होता है वो भेंट किया है, गिफ्ट किया है। इसमें नाचियार कोइल, अनम लैंप है, तांजवुर की पेंटिंग भी है जो उनको भेंट की गई है। 2 दिवसीय भारत दौरे के पहले दिन के डिनर के ऊपर सांभर और मसूर की दाल उन्हें पेश की गई।
दक्षिण भारत के जो तमाम पकवान थे वो डिनर के अंदर शामिल थे, मेन्यू में शामिल जो आइटम्स थी उसको आकर्षित बनाने की तमाम कोशिशें की गई। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ आरुचु विट्टू सांभर का। इसको और लजीज बनाने के लिए मसूर की पिसी हुई दाल, कुछ खास मसाले और नारियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इमली और टमाटर से तैयार टकली रसम, मटर से तैयार कदाली कुरुमा, उसके साथ ही मिष्ठान के तौर पर, मिठाई के तौर पर भी कई मिठाइयाँ पेश की गई। इसके लिए जो चुनिंदा मांसाहार व्यंजन है उनका भी प्रबंध किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश का ममसम बिरयानी था, मालाबार लोबस्टर, कोरी केम्पू, ये तमाम नाम हैं उन अलग अलग व्यंजनों के जो उन्हें परोसे गए। इस दौरान जिक्र लगातार पाकिस्तान का भी होता रहा, हालांकि पाकिस्तान इस मुलाकात में कहीं नहीं था, लेकिन पाकिस्तान आ जाता है चीन के साथ जब भी बातचीत होती है, जब भी इस तरह की मुलाकात होती है। चीन ने खुद इसकी पहल की, चीन के राष्ट्रपति ने भारत आने से पहले कश्मीर को लेकर एक बार फिर वो बयान दिया जो भारत के पक्ष में नहीं था, भारत इसके हक में बिल्कुल नहीं है। कश्मीर को लेकर चीन ने कहा कि कश्मीर पर यूएन के जो नियम हैं, कायदे हैं, उनके हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बातचीत होनी चाहिए, जबकि भारत ये मानता है कि कश्मीर का जो मसला है वो भारत का अंदरूनी मसला है, इसके ऊपर किसी भी तीसरे पक्ष को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए और भारत के रवैये और नजरिए को समझना चाहिए। एक बार फिर भारत ने अपने बयान को दोहराया है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और कश्मीर पर चीन के लगातार विरोधाभासी बयानों के बीच चेन्नई के नजदीक, इसको ममल्लापुरम कहें, वहाँ पर शी जिनपिंग और मोदी की जो बैठक है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। विहान के बाद ये दूसरी इनफॉर्मल समिट के एजेंडे में जो व्यापार, आसियान देशों के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड, सीमा विवाद और 5G का मुद्दा प्रमुख है। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर शी जिनपिंग इसे छेड़ते हैं तो भारत उन्हें अपने पक्ष से वाकिफ करवा देगा, जैसा कि पहले भी कई बार करवाया जा चुका है। अब बात करते हैं महाबलीपुरम की और चीन के रिश्ते की। महाबलीपुरम को ही क्यों चुना गया? ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि महाबलीपुरम ही क्यों और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आप एक बार देखिएगा, बड़ा पुराना नाता रहा है। पुराने जमाने में महाबलीपुरम के चीन से व्यापारिक संबंध थे, उन्हीं संबंधों को याद दिलाने के लिए शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात यहाँ पर रखी गई। महाबलीपुरम तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ शहर है। महाबलीपुरम को 7वीं सदी के पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव बर्मन ने बसाया था। राजा नरसिंह देव बर्मन को इस इलाके में मामल्लपुरम भी कहा जाता है, इसलिए महाबलीपुरम का एक और जो नाम है वो मामल्लपुरम भी है। प्राचीन काल में तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम का चीन के साथ रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में गहरा संबंध रहा है। ये बंगाल की खाड़ी के किनारे पर बसा हुआ एक तरह से बिजनेस हब था। महाबलीपुरम और चीन के बीच 1700 साल पुराने संबंध हैं। पल्लव वंश के शासकों और चीन के बीच पुराने रक्षा संबंध भी रहे हैं। चीन ने तिब्बत से लगती सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पल्लव वंश के राजाओं के साथ पैक्ट किए हुए थे। महाबलीपुरम को बंगाल की खाड़ी के किनारे बिजनेस हब की तरह देखा जाता रहा है। यहाँ के बंदरगाह से चीन से सामान आयात और निर्यात करना आसान रहता था। महाबलीपुरम का चीन के साथ सदियों तक व्यापारिक संबंध रहे हैं और 1000 साल पहले तक ये कायम थे। इतिहासकार बताते हैं कि 8वीं जो शताब्दी है उसमें चीन के राजा और पल्लव वंश के शासक राजा नरसिंह द्वितीय के साथ पहली बार रक्षा के क्षेत्र में स्ट्रेटजिक
पैक्ट हुआ था और चीन के राजा के ऊपर नरसिंह द्वितीय का इतना प्रभाव था कि चीन ने उन्हें तिब्बत की सीमा से लगते दक्षिणी चीन का जनरल नियुक्त किया हुआ था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि पल्लव वंश के साथ शुरू हुआ चीन के बीच रिश्तों का जो ये मेलजोल है, ये चोल वंश तक चला था। भारतीय पुरातत्व विभाग को महाबलीपुरम में रिसर्च के दौरान चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के मिले थे, यानी व्यापार था और उसमें करेंसी भी चलती थी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, स्वागत आपके फोन कॉल्स, आपकी राय, आपके विचारों का भी। आप लोगों का जो भी मानना है भारत चीन संबंधों को लेकर, मोदी जिनपिंग कि इस दोस्ताना ताल्लुकात को लेकर, नई तस्वीरों को लेकर, शी जिनपिंग के भारत दौरे को लेकर, जो भी आपकी राय है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख पा रहे होंगे, वो डायल कीजिए और कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनिए। दोनों देशों के बीच के संबंध दुनिया के सामने हैं, दोनों देश बखूबी जानते हैं कि किसका किस चीज़ में हित है, कई बार टकराव भी देखने को मिला है और दोनों देशों के संबंधों से पड़ोसी देश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है इससे भी दुनिया वाकिफ है और दोनों देशों के संबंध से अमेरिका या बाकी दुनिया को क्या संदेश जाता है इससे भी तमाम लोग वाकिफ हैं। दोनों देशों की तरफ से बार बार कहा जा चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो ये मुलाकात है ये रणनीतिक है, हालांकि अनौपचारिक है। ज़रूरी नहीं है कि कई सारे MOU सामने आए, औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियां सामने आए, तमाम चीज़ें स्पष्ट की जाएं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अनौपचारिक रूप से मुक्त होकर बातचीत के अलग नतीजे होते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में भी सकारात्मक प्रगति की बात हो रही है। ज़रूर इसमें इस निश्चित तौर पर कश्मीर का जिक्र नहीं होगा। एक दर्शक है हमारे साथ, हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, हेलो। संपर्क टूट गया है, आपसे अपील ये है कि आप अगर कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में हम लोग आज चीन और भारत के संबंधों की बात कर रहे हैं, शी जिनपिंग का जो भारत दौरा है उसकी बातचीत कर रहे हैं, अनौपचारिक मुलाकात है और अनौपचारिक रूप से जो मुलाकात है ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर जैसा इशू जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बार बार दखल देने की जो चीन की कोशिश होती है, इस बीच में क्या चीन का नज़रिया बदलेगा? भारत आने से पहले भी शी जिनपिंग ने जिस तरह की बातें की हैं उसके बाद ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ज़रूर कश्मीर का जो मुद्दा है वो एशिया के लिए भी बड़ी चर्चा का विषय है। दो नेता मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि किसी के रुख में कोई बदलाव आए। सवाल यहाँ पर यह भी है कि सीरिया पर टर्की का जो हमला हुआ है, क्या इसके ऊपर भी दोनों नेता बातचीत करेंगे? क्योंकि हो सकता है कश्मीर की बातचीत को तो भारत ना करना चाहे। हांगकांग के अंदर जो हो रहा है, चीन वहाँ पर जो कर रहा है, जो आंदोलन हांगकांग के अंदर हो रहा है, क्या इसकी भी बात की जाएगी? इसकी जानकारी निश्चित तौर पर निकलकर सामने नहीं आएगी और फिलहाल नहीं दी गई है। इस बारे में इस बात की संभावना कम ही है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग कश्मीर का जिक्र करेंगे, क्योंकि उन्हें भारत का रुख पता है। बेशक कश्मीर पर चीन के बयान ने भारत का हौसला बढ़ाया है, लेकिन भारत ने भी हर बयान के बाद कड़ा रुख अख्तियार किया है, ऐसा करने में कोई संकोच नहीं बरता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में चीन का बयान हो या फिर पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने कहा कि कश्मीर के मसले के ऊपर चीन पाकिस्तान के साथ है, ये भारत के लिए चिंता का सबब बनने वाला बयान था। भारत ने फौरन एतराज भी जताया जब बुधवार को इमरान खान बीजिंग गए, जो पाकिस्तान और चीन के साझा बयान थे, जब चीन ने कहा था कि चीन जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर नज़दीक से नज़र बनाए हुए है। कश्मीर की समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। चीन ऐसी जटिल स्थिति में
किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। इस विवाद का निपटारा बराबरी और सम्मान के साथ होना चाहिए। जाहिर है भारत की तरफ से ये बयान पसंद नहीं किया गया और भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि चीन जैसे देश को भारत के हालात को समझना चाहिए, भारत के पक्ष को समझना चाहिए और भारत का पक्ष क्या है वो दुनिया के सामने है, उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इसलिए जिक्र मैं कर रहा था कि अगर चीन कश्मीर को लेकर बयान दे सकता है, चीन कश्मीर को लेकर बात करना चाहता है, तो क्या भारत हांगकांग के बारे में, क्योंकि वहाँ पर चीन जो कुछ कर रहा है, चीन के खिलाफ वहाँ पर जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, तो क्या भारत उसके बारे में बात नहीं कर सकता। चीन के मीडिया में लिखा यही गया है कि द्विपक्षीय हितों पर इस मुलाकात के दौरान जो मोदी और शी जिनपिंग की हो रही है, इसमें जोर रहेगा दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों में और गहराई आएगी और स्पष्टता आएगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये लिखा है कि चीन पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है लेकिन भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का साथ देने के बाद भी चीन भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखना चाहता है क्योंकि व्यापारिक देश है। चीन किसी भी सूरत में भारत के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा। चाइना डेली में ये भी लिखा गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों द्विपक्षीय संबंधों को अगले लेवल पर ले जाएंगे, दोनों देशों के हितों के ऊपर चर्चा होगी, दोनों देशों के हित किस चीज़ में है, व्यापार और अच्छे से आगे बढ़े, जो सीमा विवाद है, डोकलाम जैसा विवाद फिर सामने ना आए। संबंध अच्छे कब होंगे, जब चीन पाकिस्तान का साथ देना बंद करे, खास तौर पे आतंकवाद के मुद्दे पर, खास तौर पे कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि इन दो मुद्दों के ऊपर चीन का जो स्टैंड रहा है वो भारत के खिलाफ ही रहा है। कश्मीर का हम बार बार बता ही रहे हैं, भारत का ये अंदरूनी मामला है फिर भी चीन इसमें दखल देना चाहता है, पाकिस्तान की सुर में सुर वो मिलाता है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी हमने देखा है कि चीन अक्सर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पाकिस्तान को थोड़ी मजबूती भी मिलती है, लेकिन भारत की कूटनीति की वजह से बार बार पाकिस्तान को भी अलग थलग होना पड़ा है और चीन को भी झुकना पड़ा है। स्थिति यह हो गई कि जिस मसूद अजहर को बचाने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा होता रहा है, उसे आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना पड़ा। आखिर में चीन को तीन बार विरोध करने के बाद चौथी बार उसमें टांग अड़ाने से बचना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर को घोषित कर दिया गया। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर उठते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत उसे घेरने की कोशिश करता है लेकिन चीन कई बार वीटो लगा देता है। ये अपने आप में वो नजरिया है जो चीन को बदलना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं भारत चीन रिश्तों पर, शी जिनपिंग के भारत दौरे पर। कई विवाद हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा संभव है, सीमा विवाद और कश्मीर का मुद्दा भी है, लेकिन इनसे हटकर अगर भारत चीन के संबंधों को व्यापार के नज़रिए से देखा जाए तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असल में तो यही महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों भारत में चीन से आयात लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत से चीन में निर्यात लगातार घटता जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का सबब है। इस जो ये स्थिति है, आपका निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो, तो इसे व्यापारिक घाटा कहते हैं। व्यापार घाटा भारत का बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच 100 अरब डॉलर तक व्यापार पहुंच गया है। अगर इसे पिछले साल की बात की जाए तो 95.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। अब इस आंकड़े के अंदर व्यापारिक घाटे के ऊपर भी एक नज़र डाल लीजिए। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत का जो कुल व्यापार घाटा है वो 105 अरब डॉलर का है। इसमें से सिर्फ चीन के साथ ही ये घाटा 53 अरब डॉलर का है। मतलब आधा अकेला व्यापारिक घाटा हम लोग चीन के साथ संबंधों की वजह से, व्यापार की वजह से खा रहे हैं। 2013-14 से अगर शुरुआत की जाए तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 36 अरब डॉलर का था और 2018-19 में ये व्यापार घाटा बढ़कर 53 अरब डॉलर पहुंच गया है।
चीन से आयात बढ़ता ही नजर आ रहा है, यानी भारत के बाजार चीनी माल से भरे पड़े हैं। नौकरियां चीन में पैदा हो रही हैं, भारत में उस स्तर तक नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं। चीन दावा करता है कि भारत में 1,000 चीन की कंपनियां खुल गई हैं, 8 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, 2 लाख लोगों को, हालांकि 20 अरब डॉलर का निवेश करने की बात हुई थी पिछली मुलाकात के दौरान, 2 लाख लोगों को काम मिला है। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज को चीन के सामान की वजह से, चीन की इंडस्ट्रीज की वजह से भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, वो इन 2 लाख से कई गुना ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट 2017 की है, उसमें कहा गया है कि 2010 में भारत ने आसियान देशों और चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता साइन किया था। उस वक्त भारत का व्यापार सरप्लस था, हम चीन को 53 अरब का निर्यात करते थे, अब वो उल्टा हो गया है, चीन निर्यात कर रहा है। तो भारत और चीन के बीच इस संबंध से भारत को क्या मिला है, ये सोचने वाली बात है। चीन के बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो भी जग जाहिर है। चीन ने बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर प्लांट और प्राकृतिक गैस संसाधनों को विकसित करने की पेशकश की है। एक दूसरा मसला और है, भारत और चीन के बीच में होने वाला रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RECP समझौता, ये एक नया क्षेत्रीय मोर्चा है, नया समझौता है। इसके तहत आयात और निर्यात के शुल्क को बहुत कम किया जाएगा और पूरी तरह से खत्म भी किया जाएगा। चीन इस डील को लेकर जल्दबाजी में नजर आ रहा है क्योंकि वो अमेरिका के साथ व्यापारिक झगड़े से परेशान है, असल में तो पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारत के बाजारों में तनाव है। और अगर ये समझौता साइन हो जाता है, ऊपर से डेयरी, स्टील और टेक्सटाइल का बाजार और ज़्यादा कमज़ोर हो जाने की जो डर है वो भारतीय व्यापारियों के अंदर बैठा हुआ है। डेयरी उद्योग के लोगों ने सरकार से संरक्षण देने की मांग भी की है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से सस्ते गारमेंट की वजह से भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग है वो पहले से ही बहुत घाटे में है। अगर आयात शुल्क और कम कर दिया गया तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों विज्ञापन करके टेक्सटाइल महकमे ने बताया था कि हम लोग बहुत घाटे में हैं। दूसरी तरफ भारत के अन्य जो सेक्टर हैं वो चाहते हैं कि स्टील पर आयात शुल्क कम हो ताकि उन्हें सस्ती स्टील मिले। स्वदेशी जागरण मंच ने जो RECP है उसके खिलाफ 10 दिनों के आंदोलन का ऐलान किया है। RECP समझौता हुआ तो सरकार मैन्युफैक्चरिंग और खेती के सेक्टर को मजबूत नहीं कर पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी आंकड़ा सामने आया है, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो 0 से नीचे पहुंच गई है, नेगेटिव में पहुंच गई है। ये और चिंता बढ़ाने वाला है, ये उस दौर में हो रहा है जिस दौर में कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन नए नए समझौतों की वजह से रिटेल व्यापार के संघ के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, स्वदेशी मंच के बयान भी सामने आ रहे हैं। जो रिटेल व्यापार संघ है उनकी तरफ से कहा गया है कि चीन से सस्ता माल आया तो भारत को नुकसान होगा, भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा। व्यापारिक वर्ग को ये चिंता सता रही है और जो ये चिंता है ये सामान्य भी नहीं है और नज़रअंदाज करने लायक भी नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच का विरोध सरकार को कितना चिंतित करेगा और उसे बैकफुट लेने के लिए क्या मजबूर कर पाएगा, ये अपने आप में ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब जानते हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में जो शाम के वक्त जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्यता थी, जो स्वागत था, उन्हीं की तस्वीरों में सब कुछ स्पष्ट और साफ नजर आ रहा है। वही है जो चर्चा का सबब बना हुआ है, व्यापार में किस तरह से भारत पीछे हट रहा है और किस तरह से चीन अपना जो दायरा है वो बढ़ाता जा रहा है, इसको लेकर चिंताएं कम ही नजर आ रही हैं। सरकार से लेके मीडिया तक, भारतीय मीडिया तक भी जो एक जगमगाहट है, जो एक भव्यता है,
उसी को गौर दे कर रहा है, उसी को कवर कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो व्यापारियों की चिंता है वो कहीं ना कहीं दबी हुई नजर आ रही है, जबकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको एड्रेस किया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत सरकार को भी भारत के व्यापारियों के पक्ष में उनके बारे में सोचने की जरूरत है, और भारत सरकार से बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता कि चीन किस तरह का देश है और किस तरह के संबंध वो चाहता है। उसके संबंधों और रिश्तों के बीच में सिर्फ और सिर्फ व्यापार होता है, लेकिन ऐसे में भारत सरकार को ही ये सुनिश्चित करना होगा, उस सरकार को खासतौर पे सुनिश्चित करना होगा जो अक्सर मेक इन इंडिया की बात करती रही है। मेक इन इंडिया की बात तभी आगे बढ़ेगी जब भारत के व्यापारों को, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, ना कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और चीन के व्यापार को बढ़ावा मिले। ये बात भारत सरकार भी बखूबी समझती है, और उम्मीद यही भारतीय व्यापारियों को होगी कि सरकार इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चीन के साथ आगे बढ़ेगी। आज स्ट्रेट टॉक में इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए जस हिंदी के साथ।